जय सेवा, जय जोहार। हमारे बैतूल जिले के जो किसान भाई हैं या खेती बाड़ी से जो जुड़े हैं, जो अपने खेतों में फसल के साथ साथ जो सब्जी भाजी की खेती करते हैं, उनके लिए जैविक खेती से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा करने वाला हूं। और ये आप देख सकते हैं, हमारे ग्राम असाड़ी के जो हमारे चाचा जी हैं, सम्मानीय अनिल ध्रुवे जी, सम्मानीय दिलीप ध्रुवे जी, उनके खेत में मैं आया हूँ। और यहाँ पर जो उन्होंने जो मिर्ची मिर्ची की जो यहाँ पर जो सब्जी लगाए हैं, ये देख सकते हैं। और आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपको विगत वर्ष की बात को याद दिलाना चाहूँगा। पिछले बार भी मैं चाचा जी के खेत में आया था, जहाँ पर जो बल्लर की खेती जो ऑर्गेनिक मेथड से उन्होंने की थी और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा उन्होंने कमाया था। लगभग 1 से 1.5 एकड़ में उन्होंने बल्लर की खेती, बल्लर की जो सब्जी या बेला जो लगाई थी उन्होंने, बहुत ही अच्छा मतलब उत्पादन हुआ था। आज फिर से यहाँ पर जो मिर्ची की जो फसल है, सब्जी है, इसको देखने के लिए मैं आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सभी जितने भी जो साथी लोग हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक खेती वर्तमान समय की मांग है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मैं इस चीज़ को भलीभांति जानता हूँ। आज हम हमारे शरीर में जो केमिकल्स वाला जो अनाज, जो खाना हम खा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें हमें जितने भी जो जो लोग हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए जैविक खेती से उत्पादित जो अनाज हैं, जो सब्जी भाजियां हैं, इनको उपयोग करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और एक अच्छे सभ्य समाज और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। तो ऐसे ही जो हमारे गांव के जो किसान, हमारे चाचा जी सम्मानी अनिल ध्रुवे जी, उनकी उनके खेत में हम आए हैं। आज आप देख सकते हैं, ये जो मिर्ची की फसल लगभग फूल पे आ चुकी है। और इधर मैं थोड़ा सा नीचे से दिखाना चाहूँगा क्या सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर खेती की जा रही है। लगभग ये 22 से 23 लाइन है इसकी, और देख सकते हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि ये जो प्लास्टिक वाले, मतलब यहाँ पर जो प्लास्टिक का यूज किया गया है, जिससे खरपतवार को हम नियंत्रित रख सकते हैं। खरपतवार का मतलब जो क्या बोलना चाहिए, जो घास फूस होता है उसको बोलते हैं। इसको इससे नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि ये जो मिर्ची की जो सब्जी है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सके और जल्दी वो उसमें अच्छे मिर्ची लग सके। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात है, ये प्लास्टिक के साथ साथ इसमें एक मल्चिंग सिस्टम, जो ड्रिप सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, मतलब पहले क्या होता था, किसान भाई लोग ये जो बीच में जो दिख रहा है, ये जो सामने वाला जो रास्ता, यहाँ पे पानी छोड़ देते थे। लेकिन क्या होता, उससे पानी वेस्ट होता था, अनावश्यक रूप से पानी बहता था और पूरी तरह से हम पानी नहीं दे पाते थे। लेकिन जो मल्चिंग सिस्टम है, इससे क्या होता है कि कम पानी में सारे पौधों को हम अच्छे से पानी दे सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमें खेती करना है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हमने जितना जो लागत लगाया उससे डबल मुनाफा हो, तो खेती करने का मतलब है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम खेती कर रहे हैं, सब्जी भाजी लगा रहे हैं, जितनी लागत हम लगा रहे हैं उतना भी हमको नहीं निकल पा रहा है, उतना भी उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मतलब क्या है। इसलिए हमें नए आधुनिक तरीके से अपने को खेती करना चाहिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और ये देख सकते हैं, बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ पर जो मिर्ची की फसल या सब्जी भाजी, और आपको मालूम होना चाहिए जो मिर्ची की जो फसल है,
ये आता है, जैसे मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, और जो मिर्ची टमाटर और जो बैंगन, ये सोलेनेसी फैमिली के सदस्य हैं, सोलेनेसी कुल के सदस्य हैं, और इनको लगभग, और बायोलॉजी में इन्हें दिवस उदासीन पौधे के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात इनको ज़्यादा ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा छाव की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर इनको ज़्यादा प्रकाश मिलने लगे तो ये, इनकी जो पत्तियां हैं, मतलब इनमें सोलराइजेशन होने लगेगा। सोलराइजेशन मतलब होता है कि जो क्लोरोफिल का नष्ट होना। पत्तियों में क्या होता है, देखो ये पत्तियां देख सकते हैं, पत्ती जितनी बड़ी होगी तो इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, तो इसमें क्या होता है, जो सब्जी है अच्छे से लगेगी। यदि ज़्यादा ज़्यादा प्रकाश मिलेगा इनको तो पत्तियाँ नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। इसको बायोलॉजी की भाषा में सोलराइजेशन बोलते हैं। और सोलराइजेशन अगर हो गया तो पत्ती, मतलब जो पौधा है मिर्ची का या कोई टमाटर या बैंगन का, ये नष्ट हो जाएगा। तो ये सारा दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सब्जी की जा रही है, सब्जी की खेती की जा रही है। और जो तरबूज है, तरबूज की भी खेती इसी के माध्यम से, हमारे चाचा जी के माध्यम से हर साल किया जाता है, और काफ़ी अच्छा मतलब मुनाफा कमाया जाता है। तो हम धीरे धीरे सारा दृश्य दिखाएंगे खेत का। और ये जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष ला रहा हूँ, इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया में डालूंगा, ताकि मेरे से जितने भी लोग, जो किसान भाई लोग जुड़े हैं, वो भी इस प्रकार से खेती करेंगे तो निश्चित तौर से उनको भी फायदा होगा, और वो कृषि को लाभ का धंधा बना पाएंगे। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारी जानकारियां मैंने हमारे चाचा जी अनिल दुबे जी के बारे में और उनके द्वारा यहाँ पर जो जैविक खेती की जा रही है उसके बारे में बताया। अब हम उन्हीं से जानेंगे कि वो कब से खेती कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ताकि अन्य जो किसान हैं वो भी इसका फायदा ले सकें। काका, सबसे पहले जय सेवा आपको। जय सेवा काका जी। अच्छा काका, ये बताओ कि आप कितने दिन से जैविक खेती कर रहे हैं? ये जैविक खेती मैं 5 साल से इसका उपयोग कर रहा हूँ, जैविक का, जिसमें मुझे शुरू में तो बहुत कम लाभ मिलता था। अभी लाभ इसमें मुझे डबल का ही बता रहा। जैसे अभी इसमें हमने ये जैविक में नेट सर्फ की, ये Bio99, स्टीम रिच, रेपअप और NPK, ये बहुत सी चीज़ें आती है। कीटनाशक भी इसमें जैविक वाला ही आता है, तो वो वही चीज़ का इसमें हमने उपयोग किया। और ये हमारी फसल अभी 35 दिन के पौधे हैं ये, अभी अभी 40 दिन भी नहीं हुए, 35 दिन की हुई है, और अभी ये फूल पे है, फूल के स्टेज पे। अभी हमको ये एक स्प्रे और मारना है, एक स्प्रे मारेंगे उसमें फूल अच्छे से आ जाएंगे इनमें, तो इनका ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, उसके साथ में इसका ये फुटाव भी अच्छा हो रहा पौधे का। इनमें वायरस भी अभी नहीं आया, वायरस तब आता है जब ये एकदम कमजोर पौधा रहता है, तब कभी वायरस की तो स्थिति है नहीं इनमें। तो यही है कि हम यही सोच रहे हैं कि इसमें अब एक दो बार, अभी एक दो दिन तो अभी पानी नहीं छोड़ेंगे, कम से कम खुल गया मौसम, वो इसलिए कि वो नमी जो है, नमी तो है पर नमी के साथ साथ उसको थोड़ा सा, उसके जड़ उनको ये थोड़ा सा तनाव भी बैठना चाहिए उनमें, उसके लिए हमने इनमें पानी देना भी उचित नहीं समझा। अच्छा चाचा जी, मिर्ची बल्लर की खेती मैंने पिछले बार देखा था आपके खेत में, तो और इसके बाद मिर्ची और भी, इसके अलावा भी कोई तरबूज वगैरह की भी इसी से हुई थी? हाँ, इसी से हुई, इस तरबूज की। अच्छा, तो ये बताइए कि जिसमें ये, जैसे पहले क्या होता, किसान भाई लोग यहाँ से एक ऐसा एक नाला बना देते, ढंड टाइप का रास्ता बना देते थे, और ये जो मल्चिंग सिस्टम है, हाँ मतलब ये पूरा जैविक खेती में, और जो अपन नॉर्मली जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, जो केमिकल्स वाला, जो कीटनाशक वाला जो खेती करते थे, उसमें
उसमें और इसमें लागत कितनी लगती है और किसमें ज्यादा फायदा है? ज्यादा फायदा तो अपने को जैविक वाले ने, अभी आप मार्केट में लेके जाएंगे तो जैविक वाले यदि अगर तुमने 4 दिन पहले भी तोड़ा है फसल जैसा जैसा भी फल है, तो उसको आप 8 दिन से लेके 15 दिन तक या महीने भर भी आप रखोगे तो आपका फल जो है बेकार नहीं होगा, वो सुरक्षित ही रहेगा। और जैसे केमिकल वाले में क्या हो रहा, आज तोड़े 2 दिन बाद आपको सड़ना चालू हो जाएगा, वो उसमें केमिकल ज्यादा है। तो मतलब जैसे ये सब्जी भाजी के अलावा जैसे ये धान वगैरह लगाते सोयाबीन, इसमें भी अपन इसका यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज करते हैं इनमें, धान में, सोयाबीन में, मक्के में, हर चीज में। अभी हमने सोयाबीन में उपयोग किया तो सोयाबीन में भी बाढ़ भी आया, उसके बाद भी फल जरूरत से ज्यादा है उसमें। और हमने इसमें कीट का तो अभी उपयोग किया ही नहीं, सोयाबीन में कीटनाशक रसायन वाला नहीं किया। तो उसमें मेरे को ये समझ में आया, जैसे अपन रसायन वाला जैसे डालते तो रसायन में एक बार डाले, दूसरी बार फिर 15 दिन के बाद में फिर इल्ली आ जाएगी तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा वो, इसलिए हम लोग ज्यादातर वो रसायन का उपयोग नहीं करते इसमें। मतलब जैसे धान वान, जैसे धान वगैरह भी लगाते उसमें भी? धान में भी, उसमें भी आता है एक सेत करके एक दवाई उसमें। तो आपके माध्यम से भी मतलब कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया इसमें जैविक खेती में? जैविक में नेटसर्प का उपयोग किया और गोबर खाद का और गोमूत्र का। अच्छा। गोमूत्र और फिर ये अपन जैसे कीटनाशक में अपन ने बनाया क्या क्या पेस्ट बनाया, मिर्ची, लहसुन और प्याज, अदरक, और इसके साथ साथ गोमूत्र डाल दिया उसमें, और उसके साथ में फिर डाल दिया ये अपना मही, और मही के साथ में ये गुड़, और इनको मिक्स करके एक 5 लीटर के डिब्बे में मैंने यानी कितना पेस्ट, एक एक पाव का पेस्ट बनाया और उसका उपयोग किया तो उसमें भी अच्छा बेनिफिट मिला, पौधे में हरापन भी रहा, कोई साइड इफेक्ट नहीं और ये उसमें कोई दिक्कत नहीं आई पौधे में। अच्छा, ये बताइए कि मैं थोड़ा सा क्या है कि जो ये प्लास्टिक जो लगाए हैं इससे क्या फायदा है? ये प्लास्टिक इससे अपने को फायदा ये है, जैसे ये पौधा है अपना, हाँ ये पौधा है, ये पौधे को टेम्परेचर भी बराबर मिल रहा और उसका न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स भी उसको जो जड़ों के द्वारा जो मिलना है वो उसको बराबर मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स मिलने के साथ साथ इसके जड़ जो है जितनी ज्यादा ये जैविक का उपयोग करेंगे वो जड़ नीचे जाना चाहिए इनका, और नीचे जाने के साथ में जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा पौधा तैयार होगा, जड़े जितनी ज्यादा फैलेंगे नीचे उतना बहुत बढ़िया होगा वो पौधा। और जड़ यदि अगर आपकी ये अपन ऊपर लगाते भी है सादे जगह में तो इसमें क्या होता है, जड़े अपनी ऐसी चलती है जमीन के ऊपर ऊपर, तो अपन जैसे निंदाई की अब निंदाई करेंगे तो इसमें जड़ उसमें वो हो जाती निकल जाती तो उसमें पौधा कमजोर होता है। और इसमें ग्रोथ करने का कारण भी यही है कि इसमें टेम्परेचर भी बराबर उसको मिलते रह रहा डेली का, खरपतवार भी कंट्रोल हो रहा, उसके साथ में बीमारी कम आ रही है। जैसे कुछ नए किसान अगर करना चाहें इसको मतलब जैविक खेती, तो उसमें उनमें शुरुआती दौर में मतलब कितना खर्चा आएगा, क्या क्या मेन चीजें क्या है, खेत को कैसे बनाना पड़ेगा, कितने बार जो यहाँ पर जो प्लाऊ है, कल्टीवेटर, बक्कर वो करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले तो अपने को प्लाऊ कर ले अपनी जमीन को, उसके बाद में 8-10 दिन 15 दिन उसको सूखने दे, उसके बाद में रोटावेटर से अच्छी तरीके से कल्टीवेटर मारना चाहिए पहले एक बार, और उसके बाद में रोटावेटर करें, रोटावेटर ऐसी करें ताकि जमीन पूरा अपना भुरभुरा टाइप का हो जाए। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये बेड बनी, बेड में यदि अगर आपको पूरे जगह में यदि अगर डालना है तो डबल से रोटावेटर करना पड़ेगा आपको, खाद दिए अगर डालते हो आप गोबर खाद तो पूरे जगह में करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको फंगीसाइड, जैसे आपको लग रहा है कि यार इसमें बीमारी आ जाएगी, केमिकल में फंगीसाइड आता है वो फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक बार, उसमें क्या होता है इल्लियाँ जो है ज़्यादा ये नहीं करेंगे उस पर अटैक,
पौधे पे, नीचे से इनके पेड़ों में क्या होता है कभी कभी वो पौधे में आ जाते हैं और पूरे जड़ कतर देते हैं। इसके लिए उतना सा वो काम करना पड़ता, उसके बाद में जो है आप डीएपी यूरिया ये तो डालते हैं, पर ये डालना नहीं चाहिए। गोबर खाद डालो, उसके बाद में ये जो दवाइयाँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, वो दवाइयों का उपयोग करे तो बेहतर रहता, और उसी में पौधा तैयार करो तो आपको पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मिलेगा, रेट भी अच्छा मिलेगा, हर चीज़ में उसको बेनिफिट आएगा। और इसमें अपने मल्चिंग मल्चिंग वही के लिए लगाया कि इसमें ज़्यादातर वायरस का अटैक ना हो, इसलिए लगाया जाता है इसको। तो बहुत ही अच्छी जानकारी चाचा जी आपने हमारे जितने भी जो किसान भाई हैं उन लोगों के लिए दिया, इसका तहे दिल से आपका आभार धन्यवाद। और हम प्रकृति शक्ति पड़ा प्रेम से कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार खेती के क्षेत्र में मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी आप प्रगति करें, उत्तरोत्तर प्रगति करें। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जय सेवा, जय जवाहर, जय जवाहर।